लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड का चेहरा रहे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले केसी त्यागी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। पार्टी ने तत्काल उनकी जगह राजीव रंजन को पार्टी का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर केसी त्यागी के इस्तीफे और राजीव रंजन को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने की जानकारी दी है। केसी त्यागी के इस्तीफे को जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसी त्यागी ने एक अखबार से बातचीत में अपने इस्तीफे को लेकर कहा है, 1984 से इस तरह की भूमिका में रहा वो कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक आदि का जमाना था, तब से इस भूमिका को निभा रहा हूँ। अब हर समय बात करने की उम्र नहीं रही, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी छोड़ दी। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है, तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी। निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उन्हें लगता है कि किसी न किसी प्रकार वो नाराजगी है? नहीं, उस पत्र में ऐसी कोई नाराजगी उन्होंने नहीं दिखाई है, और बल्कि उन्होंने समय समय पर अपना योगदान देते रहने का निश्चय भी दोहराया है। इसलिए इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, निजी और व्यक्तिगत कारणों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। केसी त्यागी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे की असली वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि हर राष्ट्रीय मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले केसी त्यागी को अब पार्टी में बोलने से मना किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसी त्यागी ने पिछले कुछ समय में ऐसे बयान दिए हैं जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई मौके पर पार्टी नेतृत्व या अन्य वरिष्ठ नेताओं से परामर्श किए बिना ही बयान जारी कर दिया, जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पार्टी में चर्चा किए बिना ही SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान जारी कर दिया। इस तरह लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय को पार्टी की आधिकारिक राय के तौर पर पेश किया, जिससे पार्टी के स्तर पर असंतोष की स्थिति पैदा हो रही थी। धीरे धीरे यह स्थिति गंभीर होती गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि केसी त्यागी ने जब पार्टी को विश्वास में लिए बिना इंडिया गठबंधन के नेताओं का साथ देते हुए इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए एक साझा बयान पर हस्ताक्षर कर दिया, तो हालात और बिगड़ गए। इससे जहां पार्टी में बड़ी नाराजगी पैदा हो गई, वहीं उनके इस कदम ने NDA के नेताओं को भी असंतुष्ट कर दिया। इससे JDU के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई और माहौल ऐसा बना कि केसी त्यागी को प्रवक्ता पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। केसी त्यागी के इस्तीफे पर RJD प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि वे आम तौर पर वही बोलते थे जो गांधी, नेहरू या लोहिया का विचार था। उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, जो अभी मैंने मीडिया में खबरें देखी है। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, एक दल का आंतरिक मामला है। त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि उनके साथ काम भी किया है। कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं। हमारा एक सा स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला। केसी त्यागी लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। 22-2023 को उन्हें पार्टी का विशेष सलाहकार बनाया गया, लेकिन मुख्य धारा में रहने के लिए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रवक्ता पद से केसी त्यागी की विदाई से JDU में अंदरूनी मतभेदों की स्थिति को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पार्टी एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव में ध्यान लगा सके।